नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक के जंगलों की खाक छानने वाली 72 साल की अम्मा तुलसी गौड़ा ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उन्हें देश के राष्ट्रपति खुद सम्मानित करेंगे, वो भी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम दिग्गज हस्तियों के सामने। लेकिन मोदी राज में ये सब कुछ उस वक्त संभव होता दिखा जब खचाखच भरे राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड देने के लिए तुलसी गौड़ा के नाम का ऐलान हुआ। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। अपने नाम के ऐलान के बाद जैसे ही तुलसी गौड़ा नंगे पैर और धोती की तरह दिखने वाले पारंपरिक कपड़े में अवार्ड लेने के लिए आगे बढ़ी, ये नजारा देखकर हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और तालियां गूंजने लगे, क्योंकि शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी कि साधारण सी दिखने वाली ये असाधारण महिला रेड कार्पेट पर चलकर पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचेगी। यही वजह है कि जब तुलसी गौड़ा को पद्मश्री अवार्ड लेते हुए लोगों ने देखा तो हर किसी ने दिल खोल कर तारीफ की, यहाँ तक कि आनंद महिंद्रा भी अम्मा को देखकर तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। जिस राष्ट्रपति भवन में तुलसी गौड़ा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उसी राष्ट्रपति भवन में देश के दिग्गज कारोबारी आनंद महिंद्रा को भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन तुलसी गौड़ा का सम्मान देखकर आनंद महिंद्रा भी ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि ऐसी ऐसी हस्तियों के बीच मैं खुद को अयोग्य महसूस कर रहा हूँ। यही वजह है कि उन्होंने तुलसी गौड़ा की तस्वीर शेयर करते हुए पहले तो मोदी सरकार की तारीफ करते हुए लिखा, इस सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की बनावट में एक लंबे समय से अतिदेय परिवर्तनकारी बदलाव किया है। अब मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर समाज के सुधार में मौलिक योगदान देने वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आनंद महिंद्रा ने इसके बाद तुलसी गौड़ा को पद्मश्री सम्मानित होता देखकर बहुत बड़ी बात बोल दी और यहां तक कह दिया कि मैं वास्तव में उनके रैंकों में शामिल होने के योग्य महसूस नहीं कर रहा हूं। आनंद महिंद्रा की ये बात बता रही है कि तुलसी गौड़ा को पद्मश्री सम्मान मिलना कितनी बड़ी बात है। महिंद्रा के साथ ही झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी तुलसी गौड़ा को मिले सम्मान की तारीफ करते हुए लिखा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग व उनके श्रेष्ठ कार्यों का सम्मान समस्त देशवासियों का सम्मान है। जब राष्ट्रपति भवन की रेड कार्पेट भी नंगे पांव आई तुलसी गौड़ा और अक्षर संत हरेकाला हजब्बा के लिए बिछ जाती है। लोकतंत्र की यह खूबसूरत तस्वीरें श्रेष्ठ भारत को जीवंत बनाती हैं। ट्विटर यूजर मंजर इमाम अंसारी ने लिखा, पैर में चप्पल नहीं, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में पद्मश्री, कर्नाटक ने तो आज इतिहास ही रच दिया। समाज के अंतिम पंक्ति के खड़े लोगों को पद्मश्री से सम्मान, वाकई पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जैसी महिला को पद्मश्री मिलना अंतिम और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की सम्मान। पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा, हाड़ मांस का जर्जा सा शरीर, शरीर पर पारंपरिक धोती, हाथ में पद्मश्री और चेहरे पर गजब की खुददारी। कर्नाटक की तुलसी गौड़ा है, 30,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है, खेत की पगडंडी से चलकर राष्ट्रपति भवन की लाल कालीन पर इन्हें नंगे कदमों का पहुंचना वाकई सुखद है। स्वामी रामदेव ने तुलसी गौड़ा को पद्मश्री मिलना सेवा को सम्मान बताते हुए लिखा, सेवा, संकल्प, संघर्ष, स्वाभिमान की धनी। पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रपति भवन में नंगे पैर सम्मानित होने वाली माता तुलसी गौड़ा ने निरंतर 60 सालों से 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण रक्षा का उदाहरण स्थापित किया है। ट्विटर यूजर नृपेंद्र सिंह ने लिखा, नंगे पांव, ना कोई डिग्री, ना कोई महंगे वस्त्र, राष्ट्र सेनानी सम्मान लेते स्वाभिमानी देश सेवक तुलसी जी के चेहरे के भाव को देखिए, गर्व है आप पर तुलसी गौड़ा जी। ज्ञान प्रकाश नाम के यूजर ने लिखा, अपने 77 साल के जीवन में 30,000 पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाने वाली तुलसी गौड़ा ने सिर्फ पद्म पुरस्कार हासिल नहीं किया, राष्ट्रपति भवन की रेड कार्पेट को नंगे पांव से महसूस किया, यह तो शायद कोई नहीं कर सका। झारखंड से बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने लिखा, जब सुबह सुबह ट्विटर वाल पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो मन पूरी तरह गौरवान्वित हो जाता है। कर्मठता और सच्ची निष्ठा का ऐसा सम्मान सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार में ही संभव है। नमन है तुलसी गौड़ा जी को। वंदे मातरम, जय बिरसा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो तुलसी गौड़ा को पद्मश्री सम्मान पाता देखकर इसी तरह से उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में हलक्की स्वदेशी जनजात से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा एक गरीब और वंचित परिवार में पली बढ़ी। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, फिर भी आज उन्हें जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है।
पौधे और जड़ी बूटियों की तरह तरह की प्रजातियों पर उनके विशाल ज्ञान के कारण उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ऐसी महान हस्ती को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होता देखकर अरबों के कारोबारी आनंद महिंद्रा को भी कहना पड़ गया, ऐसी हस्तियों के बीच मैं खुद को योग्य महसूस नहीं कर रहा था।